Good evening. Namaskar. मैं हरप्रीत सिंह प्रेसिडेंट फोरम के बिहाफ पे आज एक सेशन हम लोग लेकर आए हैं जहां मैं आप लोगों से रूबरू कराना चाहूंगा मिस्टर संजीव कपूर जो कीमा के प्रेसिडेंट हैं बैंगलोर से और मार्टिन ईमैक रिप्रेजेंट करते हैं केरल से और आज हमारा जो एजेंडा है वो एजेंडा बेसिकली आप सब जानते हैं जो हमारा क्राइसिस चल रहा है हमारे देश में हमारे देश का पूरी दुनिया में ये क्राइसिस चल रहा है तो इस क्राइसिस को आने वाले समय में किस तरीके से हम मैच कर पाएंगे कैसे इससे हम बाहर निकल पाएंगे और कैसे इससे अपने लोगों को हम मोटिवेट कर सकते हैं उस पर्टिकुलर सेशन को क्रिएट करने के लिए हमने आज एक ये छोटा सा टॉक सेशन रखा है हेलो संजीव हेलो मार्टिन हाउ आर यू नमस्कार नमस्ते नमस्ते गुड इवनिंग ऑल गुड इवनिंग संजीव मार्टिन मैं आप दोनों अपने अपने स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं जैसे मैं राजस्थान रिप्रेजेंट करता हूं तो मैं आपसे ये समझना चाह रहा हूं एक बहुत सिंपल सी चीज है कि हम जानते हैं कि इस समय जो सिचुएशन है वो सिचुएशन हर इंडस्ट्री के लिए बुरी है और आने वाले समय में सबको कॉम्पिटिशन फेस करना पड़ेगा बट क्या आपको लगता है कि अगर ऐसे समय में हम अलग अलग स्टेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं अलग अलग स्टेट से हैं तो एक कोलैबोरेशन जिसको हम कहते हैं एक समन्वय जिसको हम कहते हैं वो कोलैबोरेशन वो समन्वय अगर हम अलग अलग स्टेट्स में बैठकर भी क्रिएट करने की कोशिश करते हैं तो आप क्या समझते हैं वो हमें कितना हेल्प कर पाएगा आने वाले समय में हरप्रीत जी आपका पॉइंट बहुत अच्छा है एंड मेरे हिसाब से मेरे विजन के हिसाब से कोलैबोरेशन एंड समन्वय ही फ्यूचर ऑफ द इंडस्ट्री है स्पेशली फॉर द इवेंट इंडस्ट्री के लिए कोलैबोरेशन ही इम्पॉर्टेंट है जब तक हमारे आपस में हमारे मेंबरों के बीच में हमारी अदर इवेंट मैनेजमेंट कंपनियों के बीच में कोलैबोरेशन नहीं होगा हमारी ग्रोथ नहीं हो पाएगी आज कोविड ने हमारे को एक हिंट दिया है कि दोस्तों आपस में मिलो पर्सनल दोस्तों से भी मिलो और इंडस्ट्री के दोस्तों से भी मिलो आप भी ग्रो हो उनको भी ग्रो करो तो कोलैबोरेशन इज द फ्यूचर ऑफ द एवरी इंडस्ट्री एंड स्पेशली फॉर इवेंट इंडस्ट्री बिकॉज जिस तरह से हमारी नीड बढ़ रही है हमारे बिजनेस के ऊपर डायरेक्टली कोविड ने अटैक किया है हम इसको इसमें साथ मिलकर के ही इस महामारी का सामना करना पड़ेगा तो आई बिलीव आपका राजस्थान कोचिन इवन अदर स्टेट्स ऑल्सो आई रिक्वेस्ट देम टू ज्वाइन द हैंड टूगेदर एंड लेट्स बी फाइट टूगेदर फॉर द अवर इंडस्ट्री ग्रोथ टू रिगेन अवर बिजनेस बैक फ्रॉम द कोविड ओवर टू यू मार्टिन Thank you, Sanjeev. See, today's world is all about collaboration because anything, everywhere, it is available. So what happens is the quality matters. So now, since each association has so much of quality members, we have to make a framework accordingly to make a collaborative approach on each the client transferring from one part to other. Because as the destination market, there are a lot of events coming to Kerala, but then client faces a lot of difficulties. Why? Because they don't understand the kind of quality people who works here. So since the association tamed into a group of quality members, we can easily exchange the members. It can actually works as a membership exchange program between each associations apart across India. And then we can, you know, collaboratively, we can work with all quality people coming together, putting up the best of the work here, because it is most needed at the heart. Because since we are overcoming the situation, we will definitely overcome the situation which is happening now. When we overcome, we have to find our strength in the market. So these strength will happen only through collaborative approach. So that is my version onto this. Over to Harpreet. Okay. Thank you, Sanjeev. Thank you, Martin. ये आपके insights हमारे लिए बहुत important हैं, बहुत जरूरी हैं. और अगर इस तरीके के कोलैबोरेशंस अगर हमारे हम हर स्टेट से बात करेंगे तो मुझे लगता है कि शायद कोविड उतना हमें इफेक्ट नहीं कर पाएगा जितना दिख रहा है संजीव मैं चाहूँगा कि आप थोड़ा सा ये इनसाइट डालें इस पे कि जब हम इस कोलैबोरेशन की बात करते हैं तो कोलैबोरेशन करने के समय सबसे बड़ा जो हमारे सामने चैलेंज आता है क्योंकि हमारे पास आने वाले समय में जब ये चीज़ें वापस रिवाइव होंगी
तो मुझे लगता है कि शायद प्राइस वॉर डेफिनेटली आने वाला है हम लोगों के बीच में. तो क्या आपको लगता है कि अगर इस तरीके की कोलैबोरेशन होती है तो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जो मुझे लगता है वो एक रेट फॉर्मेशन या एक रेट कार्ड जिसको हम हमारी इंडस्ट्री में कहते हैं वो बहुत जरूरी है. तो आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? क्योंकि जमाना बदल रहा है, हमारा वर्किंग स्टाइल भी बदलना जरूरी है. हम पहले, आई जस्ट लव टू टेक अ स्मॉल एग्जांपल ओवर हेयर, जब हम लोग बाजार में सब्जी लेने जाते थे पहले, तो सब्जी वाले से हम दाम पूछते थे, तुलवाते थे, हम उससे मेजरमेंट कराते थे, नेगोशिएट करते थे, पैसे लेते थे. बट जैसे ही हमारे ये मॉल्स में आने चालू हुआ, हम सब्जी पिकअप करते हैं, तुलवाते हैं, एंड उनका एक रेट कार्ड फिक्स्ड है. आपने 400 ग्राम सब्जी लिया हो या 4 किलो सब्जी लिया हो, आपका बिल के ऊपर वो रेट कार्ड के हिसाब से आपका बिल आ जाता है. कोविड के अंदर रेट कार्ड, सॉरी, इवेंट मैनेजमेंट के अंदर रेट कार्ड फिक्स करना थोड़ा सा मुश्किल है, बट नामुमकिन नहीं है. मेरा उस पर वर्जन ये है कि हमारे को कोशिश जरूर करनी चाहिए, क्योंकि हमारे क्लाइंट्स, हमारे एम्प्लॉइज और जो हमारे वेंडर्स, तीनों ही अवेयर हैं कि मार्केट के अंदर इकोनॉमी का स्लो डाउन हुआ है. जैसे हमने कोलैबोरेशन की बात करी, नाउ जैसे वी हैव अ बिग टीम, वी डोंट रिक्वायर अ बिग टीम राइट नाउ. कोलैबोरेशन का फायदा यही है कि कुछ टीम मेरे पास, कुछ टीम आपके पास, जो है हम लोग कोलैबोरेट करें. अगर हमारे बीच में रेट की ट्रांसपेरेंसी रहेगी तो हम लोगों को बिलिंग के टाइम पे एक दूसरे के साथ कंफ्यूजन और फाइट करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी. नाउ कमिंग बैक ऑन द रेट कार्ड अगेन, बिकॉज वी हैव टू बी फिक्स अवर रेट कार्ड मीन्स थ्रू अवर पार्टनर, एसोसिएट एंड वेंडर, एंड सेम विजन अवर क्लाइंट इज ऑल्सो वॉचिंग ऑन अस, दैट दे ऑल्सो गेट एन अपॉर्चुनिटी टू सेइंग that now we have a less budget. We are also going to our associate vendor that we have a less budget. So yes, rate card ki ek nahi shuruaat karni padegi so that hum apne clients ko same quality or better quality lower rate pe afford kar paye, and between of that we can able to earn some margin for us. Jo bhi loss hum covid ke time mein hum le rahe hain usko cover up kar sake. So rate card start karni padegi. Isi mein aap sab associationon ka humko bhi saath chahiye hoga ki that let we allow the globally to do the rate card format with our vendors, with our associates and with our clients also, and grow further. Martin, I would like to share your insight as well on this. The rate card, the phenomena idea is very good. The it will be more or less like a single window operation, wherein, you know, pan India, we have a same rate card for the entire stuff. But then what makes an event manager different from others? It is about the ideation. So probably when you have an exchange of work, if there is an idea limited to, you know, to bring up for your thoughts, that has to be charged accordingly to your creative thing. Otherwise, all other act has to be brought down to a rate card. We in Kerala, what happens is we have a standard rate card with the vendors happening now. So we started that formulation with light, sound, AV, production people down here. So we have started a standard rate plan with all the people here. And that created a great benchmark here. So following to the thought of Harpreet, we can even share the entire thought across the country. And then what happens is there is a formula which has been added. Okay, if somebody comes up with a good rate card, and then tomorrow, if somebody comes up with a good rate card and we follow him, okay, this is your baseline to for the rate card, what happens is tomorrow he or she or the respective company should not go below that rate card. If that go below the rate card, what happens is we will tell him, okay, this is going to be a rate card to the vendor. So that kind of an imposition happened in this market, and the market came very strength here, and we imposed to have a rate card. Okay, for an LED pixel, P3 is this rate. For a sound of Lawrence, this rate is this. And the production with putty or, you know, with plywood, it is. So we had benchmarked different things, and it has appreciated in a different way. So I am totally onto this. Harpreet, see, we have to have pan India, not within, we have to restrict with 3 associations. We have to have all association on board to have the same rate card across India. And of course, continue with Martin. What I understand, basically rate card between all associations same, I think so, Martin, is not possible.
But at least within our region, it is can be possible because we all have a ABC category of our associate partners with us. And the client has to select which type of partner he want to choose it out. Like in a 5-star, 4-star, 3-star category, food cannot be on the same rate of the all the hotel. So my vision in getting a rate card means let's get the standardization. When we are talking the A grade services, so A grade service is that rate. So either I use A, B, C, whichever associate partner from the my region, the A grade service is this much rate. Yes, you have a very good point. You have raised is ideation, creativity, and we are in KEEMA, we are proposing to get a rejection fees also. Because in aane wale time ke andar client ke paas bahut event management companies ke offer aa sakte hain. Hum log apni puri mehnat karke presentation bana karke concept lekar ke client ke paas jaate hain. Abhi hamara idea kisi aur ke paas chala jaye ya na jaye is baat ki guarantee kuch nahi hai. Because abhi time naya hai. We are all experimenting on it. So as a KEEMA, we are implementing that whenever we are giving any quotation or any presentation to the client, we are asking them if you are not using it, it's fine. We are okay with that. But you have to pay rejection fee. It can be a 1,000 rupees, it can be a 5,000 rupees, or it can be a 10,000. So this is the new thing we feel. If the rate card is same, the competition will also get the same level. Then where you are different with other event management companies. So you have to have a something different, which is ideation. And ideation is need some time, need your investment of your knowledge. And intelligence. So we are asking to charge the rejection fees. We are launching this new concept in a region, which we will share with you offline also. Sanjeev Martin, to add to your insights. One point I need to add to this. Please. See, when you have a rate card formatted with us, we have to go back to the ages where we charged our agency management fee. Even now, we are very particular in South, I presume. Because wherever we do a work with any agency or a client directly, we normally charge our agency fee. Because that is where the agency benefited. Because you are speaking about the standardization of the rate card of the vendors. What is going to be the standardization of the agency rate card, the agency management fee? That also needs to be discussed. Let me correct. Agency fees we all are charging. This is rejection fee when the client is not using our services and using somebody as some other even management services. The rejection fees mean is that. मेरा आप लोगों से एक और छोटा सा submission है आप लोगों के इन सब चीजों में क्योंकि हम राजस्थान को belong करते हैं और राजस्थान North India का एक बहुत important शहर है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी conferences, weddings, कॉर्पोरेट सेमिनार्स वगैरह होती हैं और हम बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हैं इन सब चीज़ों को लेके क्योंकि यूजुअली होता क्या है संजीव मार्टिन व्हाट वी हैव सीन इज दैट यूजुअली नॉर्थ इंडिया में जो प्रोजेक्ट्स एग्जीक्यूट होते हैं वो एक बहुत छोटे स्पैन पर जब हम बात करते हैं बैंगलोर की जब हम बात करते हैं कैलकटा की व्हेन वी टॉक अबाउट केरल और व्हेन वी टॉक अबाउट साउथ व्हेन वी टॉक अबाउट सेंट्रल मुंबई और महाराष्ट्र तो पैन इंडिया प्रोजेक्ट्स वहां से उठते हैं और वो प्रोजेक्ट्स जो हैं वो प्रोबेबली सबलेट होते हैं बहुत सारी एजेंसीज को तो अगर कहीं पे भी हम एक स्टैंडर्डाइज्ड रेट कार्ड चाहे वो कैटेगरी ए हो चाहे वो बी हो चाहे वो सी हो क्योंकि आने वाले समय में जब हमारे क्लाइंट्स इन सब चीजों को इवेल्युएट करने जाएंगे तो डेफिनेटली उन्हें ए कैटेगरी चाहिए बी कैटेगरी भी चाहिए और सी कैटेगरी भी चाहिए तो आपस में जब हम कोलैबोरेशन की बात करते हैं तो अगर रिस्क ऑफ कंपटीशन अगर हम थोड़ा कम कर देंगे तो मुझे लगता है कि ये जो पैन इंडिया प्रोजेक्ट उठते हैं उसके अंदर जो लेवल ऑफ कंपटीशन और जो प्रॉफिटेबिलिटी हम आज तक देखते आए हैं डेफिनेटली कम तो होगी लेकिन इस कोलैबोरेशन से शायद हम सस्टेन कर पाएंगे हम उससे एक्चुअली फाइट तो मैं नहीं कहूंगा आपको बट हाँ हम उसको थोड़ा सा कंट्रोल कर पाएंगे और अपनी इंडस्ट्री को सपोर्ट दे पाएंगे ताकि एटलीस्ट हमारे बीच में जो कंपटीशन फैक्टर हमेशा से रहा है वो थोड़ा सा कम हो एग्री विद यू हरप्रीत एग्री कमिंग बैक टू मार्टिन ऑन दिस हाउ डू यू सेंस दैट व्हेन वी टॉक अबाउट द कोलैबोरेशंस व्हेन वी टॉक अबाउट द रेट कार्ड्स हाउ वी कैन बी अ हेल्प टू ईच अदर स्टेट इन कमिंग टाइम्स In terms of events, in terms of a harmony, which has to come, which
एंड दी थर्ड पार्ट जो सबसे इम्पोर्टेंट है विच इज बेसिकली जब हमारा मार्केट ओपन होगा और इस मार्केट के अंदर जब वापस से काम आना शुरू होगा तो ये जो मारकाट मचने वाली है अगर हम उस मारकाट को कुछ हद तक भी बैलेंस कर पाए स्टेज टू स्टेज तो मुझे लगता है कि शायद हमें रिवाइव करने में ज्यादा समय नहीं लगेगा. देयर इज अ टू चांसेस. जब हमारी मार्केट जब कोविड एंड जब ये वायरस जो है इट इज नॉट फर्स्ट इट्स नॉट लास्ट ऑल्सो आई थिंक. तो हम लोगों को बेसिकली जैसे आपने अपने बहुत वैलिड पॉइंट उठाया है कि जब अगर हम लोग काम के पीछे भागेंगे एंड अब ऑब्वियसली और लोग भी आएंगे बिकॉज वी हैव अ सेम फील्ड साइज बट वी हैव अ मोर प्लेयर बट आई थिंक सो इस कोविड के चक्कर में वी मे बी गोइंग टू लूज सम ऑफ अवर फ्रेंड्स ऑल्सो दे मे सम एजेंसी मे बी गोइंग टू बी वाइप्ड आउट. आई एम सॉरी इफ आई एम सेइंग ऑन द कॉमन प्लेटफॉर्म बट कुछ जो छोटी एजेंसीज हैं और यू कैन से माइक्रो साइज एजेंसीज हैं वो वाइप्ड आउट हो जाएंगी शायद बिकॉज तीन महीने सस्टेन करना ब्लीडिंग करना इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर द स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस. बड़ों के लिए भी मुश्किल है बट इट्स अ चैलेंजिंग टाइम. तो जैसे आपने बोला कि अब जब कंपटीशन आएगा इसीलिए उसी को ध्यान में रख करके हमको एक तो कोलैबोरेशन और आपस में एक दूसरे के साथ नॉलेज शेयरिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. रेट कार्ड की हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं जिसमें विच इज ऑल्सो गोइंग टू प्ले द वेरी बिग रोल एंड दैट इज वाई वी आर कमिंग विद द रिजेक्शन फीस. इफ क्लाइंट इज रेडी टू पे द रिजेक्शन फीस देन ओनली वी आर रेडी टू सबमिट अवर कोटेशन. बिकॉज हमको ये भी ध्यान रखना है कि जो हम लोग मेहनत कर रहे हैं उसका हमको वाजिब उसका मेहनताना भी मिले चाहे काम मिले या ना मिले. बिकॉज हम और आप इस इंडस्ट्री में सालों से हैं हम अपने मेहनत की तो लेना चाहेंगे. क्लाइंट इज गोइंग टू बी स्मार्ट. क्लाइंट हमारे से कई जगह पे हमारी एज से छोटे हैं हमारी एक्सपीरियंस से छोटे हैं बट दे नो. अभी हरप्रीत भी मेरे सामने बैठा है संजीव भी मेरे सामने काम मांगने बैठा है बट ही नो हाउ टू प्ले विद बोथ ऑफ अस. सो हम दोनों को अपने हाथ मिलाने पड़ेंगे हम दोनों को गले मिलना पड़ेगा हम एसोसिएशनों के साथ गले मिलना पड़ेगा कि जिससे कि हमारे बीच में कंपटीशन ना आए. मैं जब भी अपनी कोटेशन उस क्लाइंट को दूंगा शुरू में जरूर तकलीफ आएगी मे बी आई लूज सम बिजनेस ऑल्सो कि जब तक मुझे रिजेक्शन फीस के ऊपर गारंटी ना मिले जब तक मुझे पेमेंट जीएसटी टाइम फ्रेम के अंदर पेमेंट ना मिले जब तक मेरे को कॉन्सेप्चुलाइजेशन की आउटपुट ना मिले. दैट इज बेसिकली माई पॉइंट ऑफ व्यू ओवर हियर हरप्रीत. बट आप क्या आपको लगता है कि जब आने वाले टाइम में ये कटथ्रोट कंपटीशन हमारे सामने आज पांच आने वाले समय में जब ये स्थितियां सुधरेंगी और जब हम वापस से रिवाइव करेंगे तो उसके सामने ऐसे 10 ऑप्शंस आएंगे तो क्या आपको लगता है कि वो ये रिजेक्शन फी अप्रूव करेगा? यही दोस्त मैं सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ बिकॉज आने वाले टाइम में हो सकता है 10 की जगह 20 है. जो पहले 100 उसके पास ऑप्शन आती थी उसकी जगह अब उसके पास हो सकता है 20 ऑप्शंस आए. बट अगर 20 ऑप्शन अगर कोलैबोरेट कर लें एक दूसरे के साथ कि विदाउट रिजेक्शन फीस हम लोग सबमिट नहीं करेंगे कोटेशन सो इट विल बी अ गुड अचीवमेंट फॉर अस. बिकॉज हम लोग आपस में ही एक दूसरे के अगेंस्ट क्यों खड़े हों? विद कोलैबोरेशन का मतलब ही क्या रह गया अगर हम आपस में एक दूसरे के खिलाफ ही वहां अंडर कटिंग देने जा रहे हैं तो देर इज नो मीनिंग ऑफ एसोसिएशन देर इज नो मीनिंग ऑफ इवेंट इंडस्ट्री देर इज नो मीनिंग ऑफ सेइंग जय हिंद एंड जय इवेंट मैनेजमेंट. बिकॉज हम लोग यहाँ दोस्त हैं पहले वी हैव टू बी टेक केयर ऑफ आवर इंडस्ट्री पीपल फर्स्ट. आप मेरे भाई हो अगर क्लाइंट हमारा को फायदा उठाना चाहता है तो वी हैव टू स्टॉप दैट. यू ही कैन स्टॉप ही कैन टेक द बेनिफिट ऑफ इट्स इंटेलिजेंसी बट मेरे को मेरे मेहनत की आई बिलीव दैट आई हैव अ राइट टू आस्क कि जो मैंने कंसेप्चुलाइज किया जो मैंने आइडिया बनाया विच इज यूनिक बाय मी आई नीड अ राइट टू गेट पेड फॉर दैट. वो कंपटीशन को जीत सकता है. Correct. Yes. You got the pinpoint. Yes. Go ahead. Somebody else is giving me a estimate. We have to collaborate with those people also. Ki not to submit. हमको unity बनानी पड़ेगी. हमको unity बनानी पड़ेगी. ऑल स्टेट्स के बीच में हमारे मेंबर्स के बीच में और एसोसिएशंस के बीच में भी कि हम लोग एक नया ट्रेंड लेके आएंगे.
अगर नहीं आएगा तो आने वाले समय में हम लोगों को सबको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। और एक बहुत अच्छा कंसेंस निकल कर आया आज हमारे डिस्कशन में। अभी तक हम सोच रहे थे कोलैबोरेशन सिर्फ फ्यूचर है, लेकिन एक बहुत अच्छी बात ये आज हमारे डिस्कशन में निकल गया कि कोलैबोरेशन फ्यूचर के साथ साथ कंपटीशन को खत्म करने का एक बहुत बड़ा जरिया भी बनता जाएगा। करना चाहूंगा दोस्तों, जब इवेंट मैनेजमेंट का हम लोग उस जमाने हम उस इंडस्ट्री में जब स्टार्ट हुए थे, जब इवेंट मैनेजमेंट नाम एक जस्ट फॉर फैशन के लिए और यू कैन से कि जस्ट फॉर अ हॉबी यूज किया जाता था, जो उस जमाने में जब हम इवेंट करते थे, मेरे और बाकी ऑडियंस भी सुन रहे होंगे, तो वी यूज टू टेक 50% और 75% 100% एडवांस फ्रॉम द क्लाइंट। इवन आज की इंडस्ट्री में ट्रैवल एजेंसी जो है 100% एडवांस लेके काम करती है, तो क्यों हम लोग नहीं इसको स्टार्ट करते, क्यों हम क्लाइंट के आगे बेंड हो जाते हैं कि ओके पे अस आफ्टर 50 डेज 60 डेज, अगर हम अपनी यूनिटी बनाएंगे, नो वी ऑल्सो वॉन्ट, वी ऑल्सो ब्लीडिंग, सो आई थिंक क्लाइंट मजबूर होगा हमको पेमेंट देने में 50% एडवांस, एंड वी आर अ जेन्युइन, हम लोग उनके पैसे लेके नहीं भागते हैं, वी आर वेरी जेन्युइन पीपल विद देम, इवन वी इन्वेस्टिंग अवर ओन मनी ऑन देयर बिजनेस, सो वी हैव अ राइट टू आस्क देम सम रिटर्न ऑन दैट, अदरवाइज देयर इज नो सेंस ऑफ कमिंग इन द इवेंट मैनेजमेंट बिजनेस। संजीव, यू आर राइट। अगर आप साउथ की बात करें या महाराष्ट्र की बात करें, तो बहुत बार हमारे सुनने में भी आता है कि वहाँ पे प्रोजेक्ट्स के ऊपर एडवांस फंडिंग की जाती है कॉर्पोरेट से, कंपनी से, लेकिन शायद ये ट्रेंड हमारे नॉर्थ इंडिया में थोड़ा सा कम है। तो मैं आपके इस पॉइंट को आगे लेकर जाऊँगा और मैं कोशिश करूँगा कि नॉर्थ इंडिया के जितने भी हमारे इवेंट मैनेजर्स हैं, जितनी भी हमारी इवेंट एसोसिएशन हैं, जितने भी लोग इस बिजनेस प्रोफेशन से जुड़े हैं, क्योंकि अब जब इंडस्ट्री ब्लीड करेगी तो डेफिनेटली हमें फंडिंग्स की ज़रूरत पड़ेगी। और आने वाले समय में जो मुझे लगता है कि आज तक जो हमारे वेंडर्स हमें हमेशा सपोर्ट करते थे, वो वेंडर्स भी थोड़ा सा हमारे से सपोर्ट की एक्सपेक्टेशन रखेंगे कि उन्हें भी उसी लेवल का सपोर्ट मिले जो एक इवेंट कंपनी अपने क्लाइंट से एक्सपेक्ट करती है। तो ये आपका पॉइंट बहुत वैलिड है और शायद इसको हमें बहुत स्ट्रांगली पुटअप करना पड़ेगा अपने अपने क्लाइंट्स के सामने, ताकि एटलीस्ट वो उस फंडिंग से, एटलीस्ट और कुछ नहीं तो हम अपने बेसिक्स को जो है वो फंड कर पाएंगे और मैनेज कर पाएंगे, और शायद इस सिचुएशन से हमें बाहर निकालने में एक बहुत बड़ी मदद साबित होगी। हरप्रीत, हमारे को अपने मेंबर्स को भी एजुकेट करना पड़ेगा अपने मेंबर की, बिकॉज अवर स्ट्रेंथ इज अवर मेंबर, हमको अपने मेंबर को एजुकेट करके उनके साथ यूनिटी रख करके उनको साथ कॉन्फिडेंस में लेकर के ही हम क्लाइंट के आगे बात कर सकते हैं। आई बिलीव अगर राजस्थान इवेंट मैनेजमेंट फेडरेशन के सारे जितने भी मेंबर्स हैं, अगर वो 20% ऑफ द इंडस्ट्री भी रिप्रेजेंट करते हैं क्लाइंट के साथ, ये टर्म्स कंडीशन पे एग्री कराने के लिए 20% भी बहुत है। लेट 20% इवेंट एसोसिएशन इज नॉट रेडी टू वर्क विदाउट 50% एडवांस, आई थिंक दिस विल बी अ ग्रेट इनिशिएटिव, कैन क्लाइंट हैज टू पे फॉर द एडवांसेस। संजीव, उसके लिए हमें एक दूसरे के साथ ना कोलैबोरेशन के साथ साथ कम्युनिकेशन भी ओपन करना पड़ेगा, क्योंकि आप भी कॉर्पोरेट करते हैं, हम भी कॉर्पोरेट्स करते हैं, बहुत सारे लोग हैं पूरे इंडिया में जो कॉर्पोरेट कंपनीज के साथ काम करते हैं, और हम सबको मालूम है कि हमारी जो कॉर्पोरेट कंपनीज हैं वो लिमिटेड हैंड्स हैं आज की डेट में। टाटा है, बिरला है, रिलायंस है, जितने भी क्लाइंट्स हैं। सो प्रॉबली अगर ये एक स्टेट में शुरू होगा तो डेफिनेटली अगर ये वो स्टेट इसको आगे प्रॉपर कम्युनिकेशन के साथ दूसरे स्टेट के साथ, दूसरे इवेंट मैनेजर्स के साथ, दूसरी एसोसिएशन के साथ अगर इसको शेयर करेगा, तो शायद जब वो पिच करने जाएगा तो उसके पास एक बैकग्राउंड होगा कि हाँ, संजीव की कंपनी है या मार्टिन की कंपनी है जो ऑलरेडी आपके उस पर्टिकुलर स्टेट में आपके साथ काम कर रही है और वहां पे आपका ये प्रोसेस है। तो जब आपने स्टैंडर्डाइजेशन कर रखा है, जब आपने एक वेंडर कोड को पूरे इंडिया में एप्लीकेबल कर रखा है, तो जो सिस्टम आपने बैंगलोर में, जो सिस्टम केरला में, जो सिस्टम महाराष्ट्र में आपने ऑपरेट कर रखा है, वो सिस्टम आप पैन इंडिया क्यों नहीं ऑपरेट करते हैं, क्यों उसको राजस्थान में, क्यों उसको दिल्ली में, क्यों हरियाणा में, क्यों पंजाब में एप्लीकेबल नहीं करते। तो इसकी वजह, इसके लिए हमें कम्युनिकेशन को भी स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा और एक दूसरे को इन्फॉर्मेशन सिंसियर नोट पे पास ऑन करनी पड़ेगी, ताकि इस कोलैबोरेशन का, इस फ्यूचर का, इस कंपटीशन से बाहर निकलने का एक बहुत अच्छा सपोर्ट एलिमेंट हमारी इवेंट कंपनीज के लिए बनेगा। करेक्ट हरप्रीत, यू आर करेक्ट, एंड एज इवेंट एसोसिएशन लाइक यू आर ऑल्सो हेडिंग एसोसिएशन, हम दोनों की जितने भी एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं और जो भी ऊंचे ओहदे पे यहाँ बैठे हुए हैं, हम लोगों की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है कि हम लोग अपने मेंबर्स से एक्सपेक्ट कम करें, उनको ज्यादा दें। जैसे आई जस्ट शेयर माय एक्सपीरियंस दैट व्हाट वी आर डूइंग फॉर द मेंबर, हाउ डू वी कैन अपग्रेड देम,
हमको एक आपस में इस बीमारी से लड़ने के लिए कोई ब्लैंकेट टाइप ऑफ इंश्योरेंस ले लेना चाहिए, ऐसे एसोसिएशन कि अगर कोई एसोसिएशन के मेंबर का आगे फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम आती है तो दिस एसोसिएशन कैन फंड देम विद दैट इंश्योरेंस. दूसरा, वी हैव टू कीप अपग्रेडिंग देम विद द स्पीकर फ्रॉम द अदर एसोसिएशन कि आप कैसे अपने पिचिंग को, आप अपने कैसे अपनी कोटेशन को, आप कैसे अपनी प्रेजेंटेशन स्किल को नॉर्थ और साउथ और वेस्ट और ईस्ट के इवेंट मैनेजर्स के इनपुट से अपग्रेड कर सकते हो. थर्ड थिंग, बेसिकली वी कैन कीप गिविंग देम बिकॉज हेल्थ विल बी द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ द डेकेड्स. सो वी हैव टू बी कीप इन द माइंड दैट आवर मेंबर्स, आवर मेंबर कंपनीज एंड आवर ऑल द इवेंट इंडस्ट्री, इवेंट वेंडर एंड एसोसिएट हैज टू बी हेल्दी. तो एज ए एसोसिएशन we all has to take a common initiative where we will call all this our member to take a benefit of all our health aspects, basically yoga, it may be a zumba or online or offline, wherever, something we have to give to our member and associates that they will start trusting us on us and they will be stand with us. It makes them mentally and physically strong as well. Correct. Chaliye Sanjeev, बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट डिस्कशंस को आपने बहुत अच्छे से हमें सपोर्ट किया और मार्टिन ने भी सपोर्ट किया. ड्यू टू सर्टेन रीजंस मार्टिन कुड नॉट बी विद अस. आई थिंक इट वाज अ वेरी हेल्दी डिस्कशन और आने वाले समय में शायद ये चीज़ें जब हम एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे तो हमें अल्टीमेटली इस पैनिक सिचुएशन से बाहर निकलने में बहुत मदद मिलेगी. बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद मार्टिन का और बहुत बहुत धन्यवाद सिटी लाइफ का जिन्होंने हमें ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करा. और हम जल्दी वापस लौटेंगे आपके साथ कुछ और एसोसिएशन और कुछ स्टेट्स के साथ. तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड स्टे एट होम. थैंक यू. सिटी लाइव, अ प्लेटफॉर्म टू शेयरिंग योर थॉट्स.